नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल फोकस इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर कंबाइंड सेंट्रल आर्मड फोर्सेज में कमांडेंट की वैकेंसी निकली हुई है। हम आपको बता दें कि एप्लीकेशन स्टार्ट 15/4/2021 से हो चुकी है और इसकी लास्ट डेट है 5/5/2021। और अगर फीस की बात की जाए तो जनरल और OBC के लिए 200 रुपये की फ़ीस है और SC ST और महिला के लिए कोई भी फीस नहीं है। तो इसमें BSF, CRPF, CISF और ITBP के अंदर कमांडेंट की वैकेंसी हैं और BSF की 35 वैकेंसी हैं, CRPF की 36 और ITBP की 20 और CISF की 67 और SSB की 1 वैकेंसी है। इसमें फिजिकल की बात की जाए तो हाइट 165 सेंटीमीटर आदमियों के लिए और महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर। अगर चेस्ट की बात की जाए तो 86 सेंटीमीटर। और अगर फिजिकल की बात की जाए तो 100 मीटर की रेस होगी 16 सेकंड में और महिलाओं के लिए 18 सेकंड में। और 800 मीटर की रेस होगी एक, जिसमें पुरुषों के लिए 3 मिनट 45 सेकंड का समय होगा और महिलाओं के लिए 4 मिनट 45 सेकंड का। और इसमें अगर डिग्री की बात की जाए तो बैचलर डिग्री पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। और अगर एज की बात की जाए तो मिनिमम 20 वर्ष और मैक्सिमम 25 वर्ष। और गवर्नमेंट के नियम अनुसार SC ST और महिलाओं को छूट मिलेगी। और हम आपको बता दें कि इस भर्ती के सभी फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे, जो कि UPSC की साइट पर भरे जाएंगे और इसमें भारत का कोई भी नागरिक इसमें फॉर्म भर सकता है।